हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं टेक फ्रंट और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे नोकिया का एक कीपैड फ़ोन 105 ड्यूअल सिम वाला, जो कि इसका फोर्थ एडिशन है। और तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका इस तरह का स्पेसिफिकेशन अप टू 14.4 आवर जो है इसका टाक बैक स्टैंड बाय बैटरी बैकअप चलता है और LED टॉर्च है इसमें और 1.77 का इसका 4.50 cm का डिस्प्ले है। और स्टोरेज फॉर अप टू 2000 कॉन्टैक्ट्स, इसमें आप 2000 कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं। और माइक्रो USB कनेक्टर होता है बिना, इसमें FM रेडियो भी है जो आपको हेडसेट लगाने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। और कुछ गेम्स इसमें फ्री दिए जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। इसमें आपको फोन मिल जाता है एक कीपैड का, उसकी ब्लैक इसका जो है कलर है पूरा। इसका कवर पॉलिथीन, मैंने इसका जो था उसे हटा देता पहले, इसके लिए बिना पॉलिथीन के निकला। और इसमें आपको चार्जर मिल जाता है एक इस तरह का, ये AC चार्जर है 5 वाट का और 550 mAh इसका जो है मेड इन इंडिया है। और एक बैटरी और ये मैनुअल, इसमें आप फोन के सारे फीचर्स का कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में इसमें सारा दिखाया गया होता है, किस तरह से आपको कौन सा इसमें कीज एंड पार्ट्स बाकी सारे कैसे सिम इंसर्ट करना है, इसके सेफ्टी क्या क्या है, इसका कैसे इसका सेफ्टी का नियम्स हैं वो सब के बारे में बताया गया होता है। चलिए अब इसे बैटरी लगा के सबसे पहले से स्विच ऑन कर लेते हैं। ये 800 mAh का बैटरी है मेड इन चाइना और इसमें आपको 800 mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि लिथियम आयन का होता है ये। और इसमें बताया गया होता है जो स्पेसिफिक चार्जर का यूज करना है, बाकी किसी अन्य चार्जर का नहीं। और इसमें कुछ कोड्स वगैरह सो भी लिखे गए हैं अंदर, इसके कोड ये है IM, ये नंबर इसका दोनों सिम का और मॉडल नंबर और इस कंपनी का ये मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन है वो सब इसमें लिखा गया है। ये दो सिम का जो है सो आपको मिल जाता है जगह, इसमें आप दो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसमें मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं बनाया गया। चलिए हम इसे बैटरी इंसर्ट करके इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज कर लेना होता है, मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर टाइम सेटिंग्स आ जाता है, उसे आप छोड़ सकते हैं। और बाकी इसमें आपको सारा सेटिंग्स देखने को मिल जाता है जो किसी फीचर फोन में होता है। और फैक्ट्री रिसेट, गो टू सेटिंग्स, सिक्योरिटी, फोन कॉल्स, इसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको बस फोन सिक्योरिटी है। जैसे कि आप फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके बाद खोलने के लिए आपको पासवर्ड लिया जाएगा। और प्राइवेसी सेटिंग, जिस तरह किसी आप किसी ऐप में स्पेसिफिक फ़ोन कॉल्स या मैसेजिंग में अपना पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं। और टाइम सेटिंग्स, प्रोफाइल सेटिंग्स, डिस्प्ले टोन सेटिंग्स, ये सब आपको मिल जाता है देखने को। तो आज का एक था एक छोटा सा वीडियो, एक फीचर फ़ोन का अनबॉक्सिंग और उसके फीचर्स के बारे में।